हेलो दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं कि साइन 75 अंश का मान कैसे निकालते हैं। साइन 75 अंश का मान कैसे निकालते हैं। अगर हम 75 को लिख दें, क्या 75 को लिख दें 45 + 30, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। इसको लिख दें, अगर हम साइन 45 + 30 लिख देंगे, 45 + 30 कितना हो जाएगा 75। अब हम एक फार्मूला जानते हैं, क्या साइन a + b बराबर क्या होता है, साइन a cos b + cos a sin b हो जाएगा। इसको अगर हम लिख लें साइन 45 + 30, इसको मान लें a, इसको मान लें b, क्या हो जाएगा साइन a, साइन a की जगह कितना हो जाएगा 45, cos b, b की जगह कितना हो जाएगा 30, प्लस cos a, cos a, a की जगह क्या हो जाएगा 45, और sin b क्या हो जाएगा sin b, b की जगह पे 30। sin 45 का मान 1/2, cos 30 का मान 3/2, प्लस cos 45 का मान कितना होगा 1/2, sin 30 का मान 1/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब देखो यहां से गुणा करेंगे, कड़ी में 3 का 1 निकलेंगे, कड़ी में 3, 2 का 2 में 2, कड़ी में 2, प्लस 1 का 1 में 1 होगा, 2 का कड़ी में 2 में 2, कड़ी में 2 हो जाएगा। दोनों का हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा कड़ी में 3 + 1/√2। हमारा निकल गया किसका, साइन 75 अंश का मान, क्या निकल गया साइन 75 अंश का मान। ऐसे में निकालना किसका, cos 15 का, किसका निकालना हो cos 15 का, cos 15 को अगर हम लिख दें क्या, cos 90 - 75, 90 में से 75 घटाएंगे कितना बचेगा 15 बचेगा, कितना बचेगा 15 बचेगा, और कब cos 90 - थीटा है, 90 पे cos क्या होता है sin हो जाता है, थीटा की जगह हो जाएगा कितना 75 हो जाएगा। किस चतुर्थांश में, पहले में cos का क्या सबका मान धनात्मक होता है, तो साइन 75, अब साइन 75 का मान निकालें कितना, कड़ी में 3 + 1/2, कड़ी में 2 हो जाएगा, कड़ी में 3 + 1/2, कड़ी में 2, निकालिए cos 15 और साइन 75 का मान।